हेलो फ्रेंड्स, मम्मी की टेस्टी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मम्मी की टेस्टी रसोई में बनने वाले हैं बेसन के लड्डू। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बाउल बेसन लिया है। ये घर में जो हमारा नॉर्मल बेसन आता है, जो घर में हम यूज करते हैं, वही बेसन है। आप देखेंगे कि इस बेसन से भी हमारे जो लड्डू हैं एकदम दानेदार और एकदम परफेक्ट बनेंगे। उसकी ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे आप इस पतले बेसन से भी एकदम दानेदार लड्डू बना सकते हैं। 2 बाउल हमने बेसन लिया है, 1 बाउल हमने पिसी हुई चीनी लगभग 150 ग्राम, 1 बाउल घी 125 ग्राम, थोड़ी सी पिस्ता गार्निशिंग के लिए इलायची पाउडर, काजू, काजू से आप गार्निश कर सकते हैं या फिर पिस्ता से। काजू को हम छोटा छोटा कट करके भी लड्डू में डाल सकते हैं। ये लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने जो अपना घी लिया है ना, सारा घी हमें एक साथ नहीं डालना है, पहले हम आधा घी डालेंगे। इसमें से हम आधा घी डाल लेते हैं, ये वाला घी हम बचा लेते हैं, इसे बाद में यूज़ करेंगे। घी को मेल्ट होने दीजिए। घी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिलाएंगे। टिप नंबर 1, फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें बेसन को भूनना है, एकदम लो फ्लेम पर भूनेंगे। देखिए अभी आपको ये काफ़ी ड्राई लग रहा होगा, लेकिन आप इसे लो फ्लेम पर इसी तरह से भूनिए। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसमें से थोड़ा सा घी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, घी मिलाने के बाद मुझे ये काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें अब थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। थोड़ा सा घी और ऐड कर देते हैं। टिप नंबर 2, हमें एक साथ घी को ऐड नहीं करना होता, थोड़ा थोड़ा करके हम घी ऐड करते हैं। एक साथ ऐड करने से हमारा जो लड्डू है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। पहले आधा डालिए, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप उसके बाद थोड़ा सा घी और डालिए। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपना किचन का कोई और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बेसन को भूनने में टाइम लगता है। बीच बीच में इसे बस चलाते रहिएगा। देखिए बेसन ने घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे बेसन भुनता जाता है वो घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। टिप नंबर 3, आइए अब हलवाई वाली ट्रिक अपनाते हैं और अपने लड्डू को एकदम दानेदार बनाएंगे। इसके लिए हलवाई क्या करते हैं, जब भी ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें वो डालते हैं 1 टेबल स्पून पानी। इसको मिला लेते हैं। अब इससे क्या होगा, पानी डालने से क्या होता है, हमारे जो बेसन के लड्डू है इसका टेक्सचर बिल्कुल बदल जाता है, एकदम दानेदार वाला टेक्सचर आ जाता है इसमें। हलवाई भी यही ट्रिक अपनाते हैं। देखिए हमारा जो लड्डू का जो मिक्स है, ये देखिए कैसे दानेदार हो गया है, हो गया ना हमारा एकदम दानेदार वाला टेक्सचर। अब इसे लो फ्लेम पर हम एक अच्छी सी खुशबू आने तक भून लेंगे, जब तक कि थोड़ा सा बेसन का कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही हमारे बेसन का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा और बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए बेसन हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मुझे इसे भुनने में 15 से 20 मिनट लग गए हैं। जब इतने कम टाइम में हम इतने बढ़िया लड्डू बना सकते हैं, तो किसी भी फेस्टिवल पर इन लड्डू को बनाइए। जैसे अभी होली आ रही है तो आप इन लड्डू को बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बस आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना है, जिस मेज़रमेंट से मैंने आपको बताया है उसी मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे। बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, आइए इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। प्लेट पर मैंने थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। अब सारे मिक्स को हम इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए सारे मिक्स को मैंने प्लेट पर निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा कि हम इसमें अपनी फिंगर आसानी से दे पाएँ। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपने बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल घी लिया था, उसमें से ये बच गया, इसलिए मैंने आपको बोला था घी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। देखिए मिक्स हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, पीसी हुई चीनी, बारीक कटे हुए काजू, आप यहाँ पर बादाम भी डाल सकते हैं। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथ से सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे।
लीजिए, लड्डू बनाने के लिए हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी है। आइए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटा सा पोर्शन हम इसमें से लेंगे, इसे इस तरह से हाथों के बीच में रोल करेंगे और इसे लड्डू की शेप देंगे। लीजिए, तैयार है हमारा बेसन का लड्डू। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा लड्डू बना है ना, एकदम परफेक्ट। ये देखिए है ना, एकदम परफेक्ट लड्डू। आप इसे पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं या फिर इस तरह से हम इसे काजू से भी गार्निश कर सकते हैं। इसे एक प्लेट पर रख लेते हैं और इसी तरह से हम अपने बाकी बचे हुए लड्डू भी बना लेते हैं। देखिए हमारे बेसन के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं, देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।